नमस्कार दर्शक बंधु, मु सुधांशु शेखर आपण मानक पुणी थरे स्वागत करुची गायत्री टीवी यूट्यूब चैनल को, जेउथिरे कि आपण पाई परिवे जीवनर गुढ़ रहस्य को भेद करी एक सुंदर जीवन बिताइबा पई प्रेरणादायक एक रहस्य रोमांच एवं विज्ञान तथा अनुसंधान भित्तिक स्पिरिचुअल नॉलेज। दर्शक बंधु, जीव ए संसार बा यूनिवर्स रा भिन्न भिन्न जगत रे तार भिन्न भिन्न शरीर अनुजाई भिन्न भिन्न कार्य मध्य करिथाय। भूपृष्ठ रे जीवर कार्यप्रणाली जेपरि अलगा, ठीक सही परी कामलोक रे तार कार्यप्रणाली मध्य अलगा होइथाय। तबे स्वर्गलोक रे थिला बेले जीव कोन सब करुथाय से विषय किछि जानिबा पूर्वरु मु एठारे पूर्ण थरे कहि रखुछि, भगवानकर ए सृष्टि हेउछि विज्ञानमय। ए संसारटा हेउछि एक साइंटिफिक सिस्टम। संसार रे जहाँ भी अछि, जहाँ भी घटुछि ताहा संपूर्ण विज्ञान आधारित। प्रत्येकटि घटना, दुर्घटना, भाग्य और दुर्भाग्य पछरे यथेष्ट वैज्ञानिक कारण ही निहित रहिथाय। स्वर्गर निर्मल आनंद विषय रे सबु धर्म निहाति किछि ना किछि वर्णनात करिथाय, किंतु कौन कले ताहा मिली पारिबो से विषय रे खूब कम धर्म सठिक तथ्य देथाय। प्रकृत रे मूल सत्यटि हेउछि प्रत्येकटि लोक तार निजर स्वर्ग से निजे ही रचना करिथाय। एहार अर्थ हेउछि भूलोक रे थिला बेले जिए जेउ प्रकार कर्म करिथाय, मनरे जेउ प्रकार चिंताधारा मान पोषण करिथाय, सेही अनुजाई तार स्वर्गलोक रे रहणीर समय निरूपित होइथाय एवं ताहा की प्रकारर हेबो ताहा मध्य निर्धारित होइथाय। से बंचिथिला बेले जे महत चिंताधारा मान मनरे पोषण करिथाय सेही सामर्थ्य अनुसारे जे एही स्वर्गलोकरु प्रतिवेदन पाइथाय। भूपृष्ठ रे जीवन बिताइबा बेले महत चिंताधारा और महत कर्मर जदि अल्प मंजि बुणी थिबो तबे एठी स्वर्गरे निश्चय अल्प फसल मिलिबो, फळरे पुष्टता अभावरु जीव तार क्रम विकास पथरे निश्चय पछै जीव। तेणु जीवर उन्नति पई बा जीवर चेतनार विकास पई एही धरापृष्ठर जीवन जेउठी कि मनुष्य तार अनुभूति अभिज्ञता मान साउंटिबारे लागिथाय ताहार गुरुत्व एते बेसी। एही धरापृष्ठर जीवन जीवकु तार विकास पथरे पारिपार्श्विक परिवेश जोगाइथाय, जीवकु नियंत्रित करिथाय एवं ताहार उन्नतिर सीमा निर्धारण करिथाय। ये तो थिला भूलोक कथा। वर्तमान स्वर्गलोक रे जीव कौन करुथाय से विषय जानिबा। स्वर्गलोक रे जीव निजर मानस शरीर रे ही अति मुक्त एवं आनंदमय जीवन बिताइथाय। पृथ्वी पृष्ठरे थिला बेले जीव जे अनुभूति मान साउंटी नैथाय तार प्रकृत मूल्य निरूपण करिवार शक्ति से एठी स्वर्गलोक रे ही आहरण करिथाय। कारण स्वर्गलोक हेउछि ब्रह्मांडर अति सूक्ष्म चिंतक उपादान रे परिपूर्ण एक चेतनामय बा भावनामय स्तर अटे। मनुष्यर मन जेपरि भावनामय, ब्रह्मांडर मन हेउछि एही स्वर्ग जहाँकि भावनामय तत्वरे परिपूर्ण। बंचिथिला बेले जीवठारे जे महत भावना गुड़िक बीज रूपे देखा देथाय सेगुड़िक से एठी वास्तव भावरे धरि रखि भल भाव अनुध्यान करिवारे लागे। आमे जेपरि विश्राम समय रे किछि कार्य करिया पई प्लानिंग मान करिथाउ, ठीक सेपरि जीव स्वर्गलोक रे थिला बेले परवर्ती जन्मरे किपरि महत चिंताधारा गुड़िक कार्यकारी करा जाई पारिबो ताहार परिकल्पना करिथाय। स्वर्गलोक रे पहुँचिया परे जीव आउ भूलोक सहित जोगाजोग रखि पारि नथाय। तेणु मोट उपरे जीव केवल आनंदमय अवस्था रे ही स्वर्गलोक रे विश्राम नैथाय। सेठारे जीव तार रहणीकाल शेष करी स्वर्गलोक रो ऊर्ध्वमान स्तर पर्यंत पहुँचि पुणी फेरिया को आरंभ करिथाय। जीव स्वर्गलोक भली उच्चतर स्तरु पुणी निम्नतर स्तर को फेरिवार दृढ़ कारण मध्य रहिछि। जे महत चिंताधारा तथा उच्चमानर कार्य जोगु जीव देवलोक पर्यंत पहुँचि पारिथाय सही तत्वगुड़िक धीरे धीरे सेठारे क्षय होबाक लागे। अर्थात धरापृष्ठर सही उच्च गुणसंपन्न अनुभूतिगुड़िक जीवठार धीरे धीरे क्षय पाइबाक लागे, फळरे ताठारे नीच गुणगुड़िक पुणी अंकि मारिथाय एवं धीरे धीरे जीव पुणी थरे सही संवेदनशील पार्थिव जीवनर बासना बा लालसा निज भितर अनुभव करिवाक लागे। एही लालसा मेंटाइबा पई रक्तमांसर स्थूल शरीरर आवश्यकता थिबारु जीव पुणी थरे धरापृष्ठक फेरिबाक व्यग्र होइ उठे। एही तृष्णा ही जीवर पुनर्जन्मर मुख्य कारण होइथाय। तबे दर्शक बंधु, आज पई एतिकी। भिडियोटी भल लागिले निश्चय लाइक करिवे एवं चैनल को नुआ करि आसतिले आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ अध्याय रे, से पर्यंत विदाय।